से भी एक रिपोर्ट आ रही है, आइए सीधे चलते हैं वहां पर हमारे सहयोगी के पास। ठीक है, राजस्थान के साथ ही चुरू जिले के अंदर भी उत्साह पूर्वक मतदाता है वो अपना वोट कर रहे हैं। विशेष रूप से इस बार महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे। वहीं इसके साथ ही स्काउट गाइड हैं, वो भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। मेरे साथ स्काउट गाइड से बात करते हैं, क्या नाम आपका? सोनी। वैसे ही मतदाता आ रहे हैं वोट करने, किस प्रकार से आप हेल्प कर रहे हैं उनका? जो है ना बुजुर्ग लोग है ना, उनको पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं व्हील चेयर, और हमारे पास सुविधा है उनकी, उनके से अच्छा लग रहा है मदद करके। हाँ बहुत। अच्छा, मतदाताओं में किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? मतदाता में उत्साह तो है ही, यहाँ पे अपने अपनी टीम को लेके बहुत सारा उत्साह है। बहुमत आप यहाँ पे आ रहे हो, उसमें मदद कर रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आकर, कितना उत्साह है लोग? बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ आप लोगों का, और सब अपने अपने को जिताना चाहते हैं, अपनी अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, और वो सब बहस चलती रहती है। बहस भी चल रही है। वो कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस। हमसे बात कर लेते हैं, किस क्या मुद्दे क्या है इस बार? इस बार मुद्दे बहुत कुछ है, हर कोई अपनी टीम को, कोई निर्दलीय को वोट देने के लिए आगे आ रहा है, कोई बीजेपी को, कोई कांग्रेस को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक अपने राष्ट्रीय हिंदुस्तान और राष्ट्रीय होने के नाते हमें उसी को वोट देना चाहिए जो हमारी जनता के बारे में समझे और हमारी जनता की प्रॉब्लम को समझे और आगे आकर जनता की मदद करे। वोट उसी को जाना चाहिए। अब देखना ये है कि वोट में जीतता कौन है, जीत किसकी होती है, बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय, वो अब आगे देखना बाकी है। कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार जो देश को संभाले, जो जनता की सुने, जो मतलब दूसरों के मतलब काम करे, मदद करे, वो होनी चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं इस बात? मुद्दे ये है कि सरकार देखो यही होनी चाहिए, जनता की सुने, मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम चल रही है गाँव में, शहरों में जो चल रहा है उसको सुधार करे, जो पहले प्रॉब्लम हो रही है उनको खत्म करे, या देश का नए निर्माण में कुछ हेल्प करे इस टाइप में। मतदाता लगातार वोट डालकर आ रहे हैं, इस बार विशेष रूप से महिला मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार महिला मतदाताओं की संख्या है वो नजर आ रही है, लगातार लाइनों के अंदर महिला मतदाताएं वोट करने के लिए पहुंच रही है। चुरू जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वो सरदारशाह है, जबकि जिले की बात करें तो सबसे छोटी विधानसभा सीट है वो सादुलपुर है। जिले की बात करते हैं, जिले के अंदर कुल 16,30,000 के आसपास मतदाता है और 56 प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। हम सुन रहे थे।